हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूटीटी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, नैनीताल झील के किनारे बसा माँ नंदा देवी का ये मंदिर है, अद्भुत मंदिर है। आज हम आपको इस वीडियो में पूरा दर्शन कराएंगे और इसके हिस्ट्री बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और दर्शन कर लेते हैं माँ नंदा देवी के। नैना देवी मंदिर नैनीताल बस स्टैंड से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहाँ पहुँचते ही बाहर प्रसाद की कई सारी दुकानें देखेंगे। अंदर आप अपने जूते उतारकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ नैना देवी को माता पार्वती का रूप माना जाता है और इसी वजह से उन्हें नंदा देवी भी कहा जाता है। मंदिर में नंदाष्टमी के दिन भव्य मेला आयोजित किया जाता है जो कि 8 दिनों तक चलता है। नैना देवी मंदिर को उसका नाम पौराणिक कथा से मिलता है कि देवी सती की आंखें इस स्थान पर गिरी थी जब भगवान विष्णु ने उनके शरीर को 51 अलग अलग हिस्सों में काट दिया था। वास्तव में पूरे शहर, नैनीताल झील और नैना देवी मंदिर, इन तीनों का नाम ही पौराणिक कथाओं से रखा गया है। खूबसूरत नैनी झील के एक तरफ नैना देवी मंदिर है जो एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ है और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। झील के किनारे स्थित कई सारे पर्यटन स्थल में से यह एक खास स्थल है। मंदिर के परिसर के भीतर एक पुराना पीपल का पेड़ है जो मंदिर की रखवाली करता है और तीर्थयात्रियों को आश्रय प्रदान करता है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, वहां भगवान हनुमान आशीर्वाद की वर्षा करते हैं और देवी की रक्षा करते हैं। जैसे ही आप मंदिर के गर्भ की ओर बढ़ते हैं, केंद्र में 2 नयन होती हैं जो नैना देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं। माता काली बाई ओर और भगवान गणेश दाई ओर है। 2 शेर की मूर्तियां जो वाहन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें देवी का वाहन कहा जाता है, आंतरिक मंदिर की रक्षा करती हैं। नैनीताल में सबसे लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से एक नैना देवी मंदिर का उल्लेख 15वीं शताब्दी या कुषाण काल में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति की स्थापना 1842 में एक उपासक मोतीराम शाह ने की थी, लेकिन वर्ष 1880 में भूस्खलन के दौरान नष्ट हो गई। मंदिर का पुनर्निर्माण वर्ष 1883 में गहरी आस्था और देवी को श्रद्धांजलि के रूप में किया गया। तब से स्थानीय लोगों का मानना है कि देवी ने किसी भी तरह की विपदा से उनकी रक्षा की है। 1 किलोमीटर के दायरे में नैनीताल में एक मंदिर, एक गुरुद्वारा, एक चर्च और एक मस्जिद स्थित है जो एक दुर्लभ दृश्य है। नैनी झील की तरफ देखते ही आपको बहुत सारी मछलियाँ दिखेंगी, तो अगर आप उनको प्रसाद या दाना डालते हैं वो तुरंत उन्हें चरने आ जाती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपका नैनीताल ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियोस आप देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।